आज के इस वीडियो में हम जो क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसका शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं, और उसका रिवीजन वीडियो है, वन शॉर्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करा दूंगा। और इसका पहले ही मैंने इसके सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है, सारा एक क्वेश्चन, सारे एक्सरसाइज पूरे करा रखे हैं, जिसके आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और इसके एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करा रखे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मेन चीज़ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, पहले वो बताना चाहता हूँ, बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, देखो ये एक चिमनी है, ये एक मीनार है, ठीक है। ये मीनार से आप इतने, ये आप ए पे हो, आप यहाँ पर हो, ए पॉइंट पर आप यहाँ खड़े हो। इस पॉइंट से जब आप नीचे से आप ऊपर किसी चीज़ को देखोगे, और इस ज़मीन के बीच और आपके आंखों के बीच का जो एंगल बनेगा किसी वस्तु को जब ऊपर से हम देख रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक, जो कोण नीचे से ऊपर देखने पे बनता है। अब क्या होता है, नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब आप अब ऊपर आप खड़े हो ऊपर, अब नीचे कोई वस्तु यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, आप उसको यहाँ से देख रहे हो, तो आपके बीच, आप ये जब देख रहे हो, इसमें एक सीधी लाइन यहाँ तक आई और आपके आंखों के थ्रू एक मैंने क्या कर दिया, एक्सेस ले लिया, स्ट्रेट लाइन, इसके पैरेलल, ये ज़मीन के पैरेलल ले लिए, बिल्कुल। सो आँखों के ये इस लाइन और इस हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। और यहाँ पे जो एंगल होगा यहाँ पर भी वही एंगल होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये और ये पैरेलल है, ये एक तीसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। ये चीज़ और ये चीज़ आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, तभी चीज़ें आती हैं। अब मेन चीज़ आ जाता है, चलो 9.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं, सो आपको चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से कह रहे हैं, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज़ अ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना ही इसका सबसे बड़ा चीज़ है। क्वेश्चन को जब क्वेश्चन आप समझ जाओगे ना, तो 70% क्वेश्चन आपने वहीं सॉल्व कर दिया है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन को एक नहीं कम से कम 2 बार पढ़ो, ऐसे इस चैप्टर का सबसे बेसिक रूल यही है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, तो एक अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, चढ़ रहा है वो, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ ग्राउंड। यानी कि हमारे पास क्या है, देखो अभी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारे पास ये एक पोल है, ये ज़मीन से बांधा हुआ है, और इस पोल को, इस पोल के साथ एक टाइट रस्सी बंधी हुई है, एकदम टाइट, जिसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर है, ठीक, ये 20 मीटर है। अब ये इस पर चढ़ रहा है बंदा, तो बता, हमें हमें निकालना है कि ये जो पोल है, ये जो पोल है, इस पोल की हाइट क्या होगी, वो हमें बतानी है। माना कि पोल की हाइट कितनी होगी, h मीटर होगी, और ये हमें फाइंड करना है। नाम भी दे, तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी, ये हमारा पोल है, यही बोला था, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। वर्टिकल से ग्राउंड पर बंधा हुआ है, तो हमें बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप, मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, इस ये रोप है और ये ग्राउंड लेवल है, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। सबसे इजी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। अब इसमें क्या रूल चलता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जो मैं रूल बताया था मैंने कि सर जिसको निकालना है और जिस जो वैल्यूज हमें पता है उनके बीच रिलेशन लगाते हैं, तो जिसको नीचे निकालना है क्या उसको हमेशा ऊपर ही रखना है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऊपर भी रखो नीचे भी रखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आना है। मैं आपको दोनों टाइप से करके दिखाता हूँ, देखो हमेशा ही वैल्यू जो कर देंगे हम, जो हमें निकालना है और जो हमें पता है उनके बीच ही हमेशा रिलेशन लगाते हैं।
वैसे तो हमें देखो एच निकालना है, हाइट निकालनी है। हमारे पास क्या है, ऐसे लिखेंगे एन ट्राइंगल ए बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल है तभी इसमें पाइथागोरस थ्योरम या फिर ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें देखो ए बी पता है और हमें क्या ए बी निकालना है और ए सी पता है। देखो आपको पता है एंगल के सामने वाला लेंथ क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, 90 के सामने वाला, हमेशा हाइपोटेनस। सो आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये रूल पता है ना आपको। यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर टेन, नीचे से कॉसेक, फिर सेक और फिर कॉट, ये रूल चलता है। तो पी अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा। यानी कि हमें क्या दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए बी अपॉन ए सी, और थीटा हमारे पास कितना है, 30। तो साइन 30 इक्वल टू ए बी हम एच है जो निकालना है मैंने उसको अभी ऊपर रखा, ठीक है। और जो पता है वो हमारे पास 20 है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, एच अपॉन 20 है ना, नीचे नीचे कट जाता है, 2 1 2 2, 10 10। सो एच 1 एच, 10 1 10। सो आंसर क्या आ गया, 10 मीटर। देखो मैंने जो निकालना था उसको ऊपर रखा है, अब क्या करूँगा मैं, जो मुझे निकालना है उसे मैं नीचे रख दूंगा, तब क्या होगा। देखो अब मैं क्या करता हूँ, ए सी को मैं ऊपर रख रहा हूँ और ए बी को मैं नीचे रख रहा हूँ, यानी कि ये अब की बार क्या हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा एच अपॉन पी, और एच अपॉन पी क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कितना है, 30। एच हाइपोटेनस हमारे पास है 20 और परपेंडिकुलर हमारे पास है एच, जो कि हमें फाइंड करना है। कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, सो मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में 1, 2 एच इज कॉस 20, एच इज कॉस्ट क्या जाएगा, 20 अपॉन 2, यानी कि 10। सो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। तो देखो दोनों ही केस में हमारे आंसर्स क्या हैं, सेम है। सो इट डजेंट मैटर कि आप जिसको निकालना है उसको हमेशा ऊपर ही रखना, नीचे भी रखोगे तो आंसर आ जाएगा, बस रिलेशन चेंज हो जाता है लेकिन आंसर नहीं, ठीक है। साइन का कोसेक हो जाएगा और कोसेक का साइन हो जाएगा, उल्टा हो जाता है जब आगे पीछे करते हो, लेकिन आंसर सेम रहता है। तो ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक, ये क्वेश्चन हमें बोला है। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है एक्चुअली, इसे साइड पर रखते हैं, यहाँ आ जाओ। हमारे पास एक पेड़ था, ठीक है, यहाँ से ये पेड़ ना टूट के यहाँ से ये वाला हिस्सा, ये ज़मीन पे ऐसे गिर गया है, और जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और जो बोला है फुट ऑफ द, जिस पेड़ के फुट से जहाँ पर ये छू रहा है, ये टूटा वाला हिस्सा, उसकी जो डिस्टेंस हमें दे रखी है वो दे रखा है 8 मीटर, ये हमें 8 मीटर दे रखा है। सो हमें पूरे पेड़ की हाइट निकालनी है, ये है पूरा पेड़ की हाइट। अब नाम दे दो ए बी सी डी। सिंस बी डी इक्वल टू बी सी, क्योंकि यही टूटा वाला हिस्सा यहाँ से झुका हुआ है, और हमें लेट जो हाइट हमें निकालनी है वो क्या होगी, ए बी प्लस बी सी, यही है। अगर हमें ए बी पता हो बी सी पता हो तो हमें हमारी वैल्यूज जो हमें निकालनी है वो मिल जाएगी, है कि नहीं। सो देखो वही जो लॉजिक है, जो पता है और जो निकालना है उसके बीच हमेशा रिलेशन लगाओ। तो ये क्या है, देखो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारा बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 थीटा। ए बी अपॉन डी ए किसके इक्वल हो जाएगा, 10 थीटा। तो परपेंडिकुलर हमें निकालना है ए बी, और बेस कितना है 8, 10 थीटा का मान कितना है, 30। सो ए बी क्या आ जाएगा, 8 10 30, और 10 30 की वैल्यू कितनी है,
वन बाई रूट थ्री। सो ए भी हमारे पास क्या जाएगा, एट अपॉन रूट थ्री। ए भी तो चलो मिल गया, अब हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। ठीक है, बी सी निकालते हैं। अब हमें क्या करना है, बी सी निकालना है। चलो बी सी पॉइंट पर आ जाओ, बी सी बोले तो हमें बी डी निकालना है क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। अब क्या करो, ये पता है और ये निकाल लो, तो अब क्या हो जाएगा, देखो हमें क्या निकालना है, बी डी निकालना है और हमें क्या पता है, ए डी पता है। सो बी डी क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूस, और डी ए क्या है हमारा, बेस है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सबसे पहले क्या आ रहा है ऊपर, हाइपोटेन्यूस, फिर क्या आ रहा है, बेस यानी कि सेक थीटा। थीटा कितना हमारे पास, 30। सो बी डी हमें निकालनी है, ए डी हमें 8 दे रखा है, सेक 30। सेक 30 बोले तो कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 कितना होता था, रूट 3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। कॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 16√3। ठीक है, तो बी डी भी हमें कितना मिल गया, 16√3। अब हमें ए बी भी पता चल गया है, बी सी भी पता चल गया, क्योंकि बी सी बी डी के इक्वल है। वैल्यूज पुट कर देंगे, देयर फोर हाइट एक आया था 8√3 और एक आया 16√3। ऐड कर देंगे, 24/√3, क्योंकि एलसीएम सेम है तभी ऐड हो रहा है। कभी भी अनरूट को नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 24√3/√3 √3 क्या होगा, 3 तीन अट्ठे 24, 8√3 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या रहेगा आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से कर दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन तो मैंने सारे करा रखे हैं टोटल, आप लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैंने जब 9.1 कराया था ना, इसमें से थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, सो उसका भी मैंने लिंक्स थोड़ा वहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब ये क्वेश्चन देखो, 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बस और दो क्वेश्चन करवाना चाहूँगा, ठीक है। अब और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला 8वां, क्योंकि सारे तो करा ही रखे हैं, बस दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और हैं वो मैं करवा देता हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रहा है तो वो आप वहाँ से देख लेना, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 8वां है वो क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि कह रहा है कि एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर है वो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन उस टॉप ऑफ द स्टैचू से 60 डिग्री है, एंड फ्रॉम द टॉप एंड सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो हमें पेडेस्टल की हाइट पता करनी है। चलो इसका भी हम फिगर बनाते हैं, पहले आपको समझाते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं एक स्टैचू है जो कि पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है, ये सपोज करो ये पेडेस्टल है, और इसके ऊपर स्टैचू कितना है, 1.6 सेंटीमीटर। आ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, तो ये हमारा स्टैचू है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 1.6 मीटर, और ये हमारा क्या है, पेडेस्टल, जिसको जिसकी हाइट हमें निकालना है। इसे मैंने पी बोल दिया, हाइट को पी से पेडेस्टल भी थोड़ा याद रहेगा। फिर क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल है हमारे पास, सपोज करो एक पॉइंट हमारे पास ये है। ठीक है, बोल रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू ये है इसका टॉप है, कितना बोला है क्वेश्चन ने, 60 डिग्री, इज 60 डिग्री। ओके, ये टोटल कितना है, 60 डिग्री है। फिर क्या बोल रहा है,
नेक्स्ट उसके आगे, एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप यहाँ पर है, उससे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। तो यहाँ का है कितना बोल रहे हैं, 45 बन रहा है, ठीक, ये दे रखा है। सो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ये जो पेडेस्टल है इसकी हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, ठीक। तो नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, क्लियर हो गया। ओके, इस पॉइंट को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, एक्स बोल देता हूँ, ये नहीं पता है तो मैंने इसको एक्स बोल दिया। अभी देखो एक टिप्स मैं दे रहा हूँ, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जो ट्रायंगल बनना है उन दोनों ट्रायंगलों में आप बनाओगे और थोड़ा सॉल्व करोगे रिलेशन लगाकर, हमेशा बन ही जाता है कुछ ना कुछ रिलेशन, तो आंसर आपको मिल ही जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पे देखो ये पता है तो ये निकालना है, मतलब वैसे निकालना तो यही है, तो एक चीज़ दोनों में कॉमन ये वाला आएगा तो हम ये ही लेते हैं, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में भी ये चीज़ आएगी और इस वाले बड़े वाले में भी ये आएगा, तो इसको लेना है और ये पता है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो 10 थीटा ही लगेगा दोनों में। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्ट में रख रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 थीटा, और इसका थीटा कितना है, 45, और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो पी इक्वल टू एक्स आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। अब आ जाओ अगले एंड ट्राइंगल, बड़ा वाला ले लो ए बी डी, अब की बार परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, 1.6 प्लस पी, 1.6 प्लस पी, और बेस हमारे पास क्या है, एक्स, और 10 अब की बार क्या हो जाएगा, 60, क्योंकि बड़े वाले के लिए एंगल कितना है, 60, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, और देखो पी की वैल्यू मेरे को निकालना है तो एक्स की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, पी रख सकता हूँ, तो यहाँ पी रख दूंगा, और 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो 1.6 प्लस पी इक्वल टू √3 पी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व कर लूँगा, पी को एक तरफ लिखूँगा मैं, ठीक, सो क्या करूँगा, मैं पी कॉमन निकालूँगा, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक। अब यह मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और मैंने आपको पहले ही बोला है कि कभी भी रूट को नीचे नहीं छोड़ना है, तो क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन, ठीक है। और ऊपर तो जैसा है वैसे ही रहने दो, कुछ उसको छिड़खानी मत करो, नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ से 1.6 √3 माइनस के 1, यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, 2, काटोगे तो 0.8, सो आंसर क्या आ जाएगा, 0.8 √3 माइनस 1 पी, इतना मीटर आंसर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वैसे एक ही एक्सरसाइज है, क्वेश्चन तो सारे ही लगभग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको सारे करके जाने चाहिए, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने पहले ही करा रखे हैं, ज़रूर देखो चैनल पे जाके, वीडियो लिस्ट पे जाकर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोक्सिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द टाइम बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन को समझना ही एक सबसे बड़ी चीज़ है इस टाइप के क्वेश्चन में, पहले बता रहा हूँ, और फिगर बना हुआ नहीं है, आपको फिगर बनाना है, ठीक है, यही इसका सबसे मेन पार्ट होता है। अब देखो सबसे पहले क्या बोलते हैं, एक स्टेट हाईवे है हमारे पास, स्टेट हाईवे लीड्स द फुट ऑफ अ टावर,
एक हमारे पास एक टावर है और ये एक हमारे पास स्ट्रीट हाईवे है। ठीक, स्ट्रीट हाईवे लेड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक आदमी यहाँ पर खड़ा है टॉप ऑफ द टावर पर। ठीक है, ऑब्जर्व अ कार, एक कार यहाँ से आपको ऑब्जर्व कर रहा है। एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है उसका, 30 डिग्री है। मैंने शॉर्टकट बताता हूँ आपको, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी होगा, हालांकि बनता तो हमारा इधर है लेकिन हम लिखते कहाँ हैं, नीचे यहाँ, क्योंकि ये वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो ये 30 है। ठीक है, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो कि कार इधर आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, फुट ऑफ द टावर की तरफ आ रहा है। ओके, कह रहे 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद कार का जो एंग है, कार जो है वो जो एंगल है वो घट के कितना हो जाता है, 30 से 60 हो जाता है। ठीक है, यहाँ से घटकर यहाँ तक कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। कह रहे फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 6 सेकंड में आता है, टाइम की बात हो रही है, पहले बता रहा हूँ, डिस्टेंस नहीं है। सो यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको आने में कितना टाइम लगेगा वो बताना है। माना इसकी डिस्टेंस कितनी है, वाई है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस मैंने वाई मान ली और इसकी डिस्टेंस मैंने क्या मानी है, एक्स मानी है। अब देखो निकालना मेरे को टाइम है, डिस्टेंस नहीं पूछा है क्वेश्चन में, टाइम पूछा है, ये बात ध्यान रखना। परपेंडिकुलर टावर खड़ा है तो यहाँ 90 है। अब नाम दे दो इसको, ए बी सी, अरे इसे मैं नाम देता हूँ डी। क्लियर है, इस क्वेश्चन को करने का और एक लॉजिक था, वो थोड़ा लेंथी था, मैंने उसको हटा दिया है, ईजी वे में बताना चाहता था मैं, ताकि हर एक बच्चा इसको कर पाए। मैंने डिस्टेंस ही मान ली है एक्स और इसकी डिस्टेंस मैंने वाई ली बॉय। क्लियर, मेरे को निकालना क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में उसका टाइम निकालना है मेरे को। ठीक है, तो मैं सबसे पहले किसकी बात करूँगा, ट्राइंगल में ले रहा हूँ बी सी डी। वैसे तो मेरे को ये टाइमिंग बताए ना, तो ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस लग जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, डी सी। ठीक है, इसको भी मैं एच मान लेता हूँ, हाइट डी सी अपॉन बी सी, तो क्या होगा 1060। डी सी हमारे पास है एच और ये हमारे पास वाई, 1060 की वैल्यू क्या, तो √3। सो एच इज कॉस टू क्या हो गया, अंडर √3 वाई। इक्वेशन नंबर वन। अब बड़े वाले ट्रायंगल पर आ जाओ, एन ट्रायंगल ए सी डी, सीधा रखता हूँ, परपेंडिकुलर अपना हाइट ये एच है और बेस कितना है हमारे पास, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1030 एच अपॉन एक्स प्लस वाई। 30 कितना है, 1030 हमारे पास क्या है, वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा √3h और यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब हमें जो आंसर्स हमें जो चाहिए ना, वो रिलेशन हमें मुझे एक्स और वाई में चाहिए, एच को हटाओ क्योंकि टाइमिंग मेरे को एक्स का पता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, तो मुझे एच को हटाना है, तो एच की प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूँ, √3y। तो √3y क्या हो जाएगा, 2y, सॉरी डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, √3y √3/3y एक्स प्लस वाई, ये जरा के माइनस होकर क्या आ जाएगा, 2y = x। ठीक है, 2y = x। सो वाई हमें निकालना है, तो वाई क्या हो जाएगा, x/2। सो वाई और एक्स में जो रिलेशन आ रहा है वो y = x/2 आ रहा है, अगर टाइम की बात करें, क्योंकि स्पीड तो यूनिफॉर्म रहती है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि कार की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रहती है, ये नहीं कि यहाँ 50 से आ रहा है तो यहाँ 100 से आएगा, ऐसा नहीं है, स्पीड सेम रहती है उसकी अनटिल। इसी वजह से अगर फॉर टाइमिंग की बात हमें निकालनी है, फॉर टाइम एक्स में कितना टाइम लग रहा था उसको, 6 सेकेंड, 2 से डिवाइड कर दो तो 2 3 6, तो 3 सेकेंड में, यहाँ से 3 सेकेंड में वो यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, उनको ज़रूर चेक करो, वीडियो लिस्ट चेक करो, आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।